Assalamualaikum viewers, welcome back to Quick Cooking by Sara. हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार 3 मिल्क केक बनाने की रेसिपी। इसको ट्रेसलेचेस केक भी कहा जाता है और ये बहुत ही मजेदार होता है। सबसे पहले हम एक बाउल में तमाम खुश्क इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। हमने लिया है मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक। इन तीनों चीजों को मिला के हम साइड में रख देंगे। अब हम अंडे लेंगे। अंडे की जर्दियों को और सफेदियों को अलग अलग बाउल में डाल देंगे। जर्दियों में हमने डाला है वेनिला एसेंस। अब हम बीटर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने केक में 1 कप चीनी यूज करनी है, जिसमें से 3/4 कप जो है वो हम अभी जर्दियों में डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम जर्दियों में मिक्स कर लेंगे। बीटर से इसको इतना बीट करना है कि ये अच्छा सा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बन जाएगा और ये बिल्कुल पेल येलो कलर का हो जाएगा। हमने कैस्टर शुगर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही बारीक पिसी हुई चीनी होती है। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप अपने घर की चीनी को ग्राइंडर में पीस लें और वो इस्तेमाल कर लें। अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं। दूध डाल के स्पैचुला की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिला के रखे थे, मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर, वो भी हम जर्दियों के मिक्सचर में डाल देंगे और स्पैचुला से इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कि ये बहुत स्मूथ सा क्रीमी सा बैटर बन जाएगा। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम अंडे की सफेदियों पे काम करेंगे। सफेदियों को अच्छे तरीके से बीटर की मदद से बीट करेंगे। इनको 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे। जब इसमें अच्छा सा झाग बनने लगेगा तो हमने जो चीनी रोक ली थी थोड़ी सी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मुस्तकिल बीट करते रहेंगे। इसको इतना बीट करना है कि ये स्टिफ सा फोम फॉर्म हो जाएगा, कि जब हम बीटर को ऊपर उठाएंगे तो फोम जो है वो गिरेगा नहीं। ये अच्छा सा फोम फॉर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर अंडे की जर्दियों का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर हाफ हाफ करके शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करें नीचे से ऊपर करके और इसका बहुत अच्छा सा क्रीमी सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक ग्लास डिश लेंगे, उसको हमने ऑयल कर लिया है और उसके ऊपर हल्का सा मैदा छिड़क लें और सारा केक बैटर जो है वो डिश में ट्रांसफ़र कर लें। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया था। अब हम केक इसके अंदर बेक कर लेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट ये बेक हो जाएगा। इसके अंदर टूथपिक डाल के चेक करें, टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर आ रही है तो आपका केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हमने केक को बाहर निकाल लिया है। हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जैसा कि आपको पता है कि हम 3 मिल्क केक बना रहे हैं, तो अब हम इसके अंदर 3 किस्म के दूध शामिल करेंगे। हमने लिया है कंडेंस मिल्क, फ्रेश मिल्क और हमने ली है फ्रेश क्रीम। हम इन तीनों किस्म के मिल्क को एक बीकर में मिला लेंगे। स्पैचुला की मदद से इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इनकी मिकदार हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बता दी है। केक हमारा बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब हम कांटे की मदद से इसको पोक कर लेंगे। पूरे केक में कांटे से अच्छा सा सुराख कर लें। अब हम इसके अंदर जो हमने मिल्क का मिक्सचर बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता पोर करेंगे। पोर करके इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए फिर से रख दें, ताकि दूध जो है बहुत अच्छे से केक के अंदर जज्ब हो जाए। जब तक हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। हमने व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम जो है वो मेरी ऑलरेडी स्वीटेंड है। अगर आपकी स्वीटेंड नहीं है तो आप इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसको बीटर से इतना बीट करें कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगी और ये भी बहुत स्टिफ सी फोम फॉर्म कर लेगी। हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए सारा दूध जो है इसमें जज्ब हो चुका है। अब हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा देंगे, खूब अच्छी सी मोटी सी और बहुत ही अच्छी लेवल करके क्रीम की लेयर लगा लें
अब जो बची हुई व्हिपिंग क्रीम थी वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है और उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने केक के ऊपर डेकोरेट कर लिया है। अब आप चाहें तो कोई भी सीजनल फ्रूट्स इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज या बेरीज। मेरे पास पाइनएप्पल थे तो मैंने पाइनएप्पल से डेकोरेट किया है। हमारा मज़ेदार 3 मिल्क केक रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही मज़ेदार केक है। आप लोग इसको अपनी बर्थडेज में बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं और किसी भी स्पेशल ओकेजन में बना के इसका मज़ा दोबारा कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा केक कैसा लगा। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।